कोरोना वायरस की महामारी से आज पूरा देश लड़ रहा है और ऐसे में देश के जो हालात हैं, इन हालातों से देश का हर नागरिक जूझ रहा है। ऐसे में अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने कोरोना के प्रकोप से जो लोगों के हालात हैं उसको लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है, जिसमें देश के वर्तमान हालातों का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। माना चहुओर कोरोना की विभीषिका है, सहज जीवन भी हो गया जटिल है। हंसते खेलते प्रमुदित उत्साही जीवन में भी घोर निराशा का मंजर है। शहर शहर जहां हमेशा भीड़ भीड़ था, वो वीरान और सहमा सहमा सा है। शहरों से लौटते गांव की ओर मजबूर मजदूर छाया पानी भोजन नित्य क्रिया के लिए भी निसहाय है। द्वितीयान वायुयान के युग में मानव पैदल ही जाने के लिए मजबूर है। अचानक आए इस भीषण संकट में मानव तन से ज्यादा मानव मन कुंठित और आतंकित है। इस विज्ञान के आविष्कार के युग में भी विज्ञान इस महामारी के आगे अब तक निरुत्तर है। पर हे मानव, तुमने भी तो कई बार ऐसी आपदा झेला है। तुमने ही तो हर विपदा का समाधान ढूंढा है। तुमने ही हर प्रलय के बाद पुनः निर्माण कर डाला है। धैर्य, संयम, संकल्प, आशा और आविष्कार से मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। हे मानव, निश्चित है तुम जल्द ही संकट से पार पाओगे। अपने कर्म कौशल ज्ञान कौशल से मानव जीवन को पुनः विषाद मुक्त कर आनंदित कर पाओगे। बस कुछ समय धैर्य, संयम, आशा में बिताने का है। घर के अंदर कैद नहीं, बल्कि इस पल में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, परिग्रह जैसे मानवीय दुर्गुणों से आजाद हो पारिवारिक, सामाजिक, मानवीय प्रेम को बढ़ाना है। परहित, देश हित, विश्व हित के लिए साधना, स्वाध्याय, नवचिंतन करना है। नवज्ञान विज्ञान से सुसज्जित हो इस संकट से पार पाना है।